सब्जेक्टिव शीट नंबर 22 के अंदर कितने लोगों को 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन में डाउट है? कौन सा क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ऐसा करना था, दो टॉल बिल्डिंग्स हैं 540 और 50 मीटर 200 मीटर अपार्ट हैं। आपने एक स्टोन को फेंकना है मान लो इस विंडो से ताकि 50 मीटर नीचे विंडो पे चला जाए, तो आपकी स्टोन की जर्नी यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि हवा में ग्रेविटी के अंडर बस वो इतने पोर्शन में आएगा। मीन्स 540 में से 50 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 490। तो 490 मीटर डाउन आएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 200। तो आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना बच गया, हाइट में 490 और हॉरिजॉन्टल में 200। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, तो आप इसमें क्या करेंगे, वाई एक्सिस के अंदर 490 इज 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से टाइम आएगा, 10 सेकेंड में स्टोन नीचे गिरेगा। फिर एक्स एक्सिस में अप्लाई करेंगे एस इज वी टी, 200 इज यू, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू विल रिमेन सेम, यू इंटू टी, टाइम 10 आ गया, पुट किया यू आ गया। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कैसे करना है? ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 में डाउट। 5 स्टोन ड्रॉप करना है विंडो से, शायद इसका आंसर शायद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है? मेरा नहीं आया। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, मेरी गलती बता देना, मेरा नहीं आया। ठीक है, तो एक चलती हुई बस में से मैंने एक स्टोन को ड्रॉप किया, तो स्टोन को ड्रॉप किया 60 किलोमीटर पर आर, मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 16.66 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक ठीक है? ठीक है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, यहाँ तक ठीक है? तो ये चलती बस से गिरा तो थोड़ा आगे जाके गिरेगा, अपने को एक्स निकालना है, ये भी क्लियर है। वाई एक्सिस में डिस्टेंस 1.96 है, तो मैंने 1.96 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाया, टाइम 2 सेकेंड आया, क्लियर है? सही है। फिर एक्स एक्सिस के अंदर एस इज इक्वल टू वी टी लगाया, तो एक्स इज इक्वल टू 16.66 इंटू 2 लगाया, 33.33, क्लियर है? ऐसा है क्या? यही आंसर आ रहा है? ये में कोई गलती लग रही है? टाइम सबका 2 सेकंड आ रहा है, सही है? तो उसके बाद तो मुझे लगता नहीं कोई गलती है। एस इज इक्वल टू वी टी लगाया मैंने, वेलोसिटी को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था। सर टाइम कुछ और आ रहा है। टाइम क्या आ रहा है चेक करना? अच्छा, फिर मैंने ऐसे ओरली वर्बली कर दिया। ठीक है डन। तो ये टाइम सही नहीं आ रहा, फिर अब सही कर लेना आंसर, 2/√10 जो भी है फिर सही कर लेना, राइट? ठीक है, क्योंकि 19.6 नहीं है, ये 1.96 है। ओ ठीक है, तो यहाँ से मैंने काट के सीधा 2 कर दिया, जबकि ये 19.6 में 2 आता। हाँ ठीक है, तभी मैं सोचूंगी आंसर क्यों नहीं आ रहा बार बार। ठीक है, तो मेथड यही रहेगा, टाइम 2 सेकेंड नहीं आ रहा, टाइम चेंज कर लेना और फिर आंसर भी सही आ जाएगा। अब ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 में और 7 में, 6, 7, 7, 7, मेल बैग इज टू बी ड्रॉप्ड इन अ पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस है, तो कहाँ से एक एरोप्लेन से मेल बैग को गिरना है, तो एरोप्लेन की स्पीड है 270 किलोमीटर पर आर का मतलब 75 मीटर पर सेकेंड, और ड्रॉप किया तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 और 176.4 मीटर से ड्रॉप किया तो यहाँ पे गिरना चाहिए। तो आपको बताना है कि पोस्ट ऑफिस की दूरी क्या है। यहाँ पर ना थोड़ी कन्फ्यूजन है, पोस्ट ऑफिस की दूरी प्लेन से अगर बतानी है जहाँ से हमने मेल बैग गिरा, फिर तो देखो ये भी बनती है,
और हॉरिजॉन्टल में एक्स भी बनती है। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था, पहले आप एक्स निकाल लो, फिर जब एक्स आ जाएगा, वाई तो पता ही है, फिर आप पाइथागोरस लगा के डी निकाल लेना। तो मैंने इसमें वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, तो वाई एक्सिस में 176.4 इज जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से टाइम आ गया 6 सेकेंड। फिर एक्स एक्सिस में एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू 6, तो एक्स की वैल्यू आ गई। मेरे ख्याल से इसका यही आंसर मार्क है, मतलब वो हमसे सिर्फ एक्स ही पूछ रहे, पर वैसे आप एक स्टेप फालतू कर दिया करें, आप डी भी निकाल दिया करें, एटलीस्ट आपको डायरेक्ट डिस्टेंस भी आप बता सकते हैं। वैसे मैंने बता दिया था, ज़्यादातर बुक्स एक्स ही एक्सपेक्ट करती हैं, आप एक्स निकाल दें। क्या ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट। 8 में दो हिल्स हैं 100 और 92 मीटर की, एक कोई भी मोटरसाइकिल या कोई जो भी बंदा आ रहा है, व्हीकल आ रहा है, वो जंप करना चाहता है इस हिल से और इस हिल तक पहुंचना चाहता है, तो उसकी वर्टिकल जर्नी कितनी रहेगी बाइक की? 100 में से 92 माइनस करके 8 मीटर, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है? 16। तो अब आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना बन गया, 8 मीटर वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल में 16 मीटर है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? 0, और वेलोसिटी यू निकालना है। तो वाई एक्सिस में 8 इज 0 हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से टाइम आ गया, यहाँ से टाइम आ गया, और उसी तरीके से एक्स एक्सिस में डिस्टेंस पता है 16, यू विल रिमेन सेम, तो एक्स इज यू इंटू टाइम, यहाँ से यू की वैल्यू भी आ गई। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? एक ही क्वेश्चन एक्स में, एक ही क्वेश्चन एस इज इक्वल टू वी टी, वाई में एक ही क्वेश्चन एस इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही है? हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th में, बॉल को हॉरिजॉन्टली टावर के टॉप से घेरा 4 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, 0.7 सेकेंड पे इसकी नेट वेलोसिटी क्या होगी? चलो 0.7 सेकेंड पे कहीं पे यहीं हवा में होगा। इसके पास दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होंगे, एक एक्स की वेलोसिटी और एक वाई की वेलोसिटी। एक्स की वेलोसिटी 4 4 4 विल रिमेन सेम, 4 विल रिमेन सेम। वाई की वेलोसिटी ये वी वाई है, इनिशियल 0 है, यहाँ से यहाँ का टाइम 0.7 है, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में वी वाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0, 9.8 इंटू 0.7, तो वी वाई आ गया, वी वाई आ गया। नेट वेलोसिटी यहाँ पर क्या मिलेगी? अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, नेट वेलोसिटी आपके पास 7.94 आएगी। अब क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है आप डायरेक्शन भी निकाल लें। तो इस पैरेललोग्राम में डायरेक्शन बीटा, टैन बीटा विल बी इक्वल टू वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। वी वाई की वैल्यू आपने निकाल ली, वी एक्स की वैल्यू 4 है, तो आप यहाँ से वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स करेंगे, तो टैन इनवर्स 1.71 आंसर आएगा। देखो उसने कहा कि आपने एक बॉडी को 4 मीटर पर सेकेंड से घेरा सीधा, तो बॉडी पैराबोलिक पाथ में मूव करेगी, 0.7 सेकेंड पे जाके ये हवा में होगी कहीं पर, मान लो यहाँ पे होगी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? टेंजेंशियल होगी, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट बनती है। तो आपको ये वेलोसिटी निकालनी है, तो टेढ़ी वेलोसिटी निकालनी है, पर वेलोसिटी के हर इंस्टेंट पर दो कॉम्पोनेंट होते हैं, क्योंकि आपने वेलोसिटी यहाँ भी तो निकाली थी, याद करो, यहाँ की बजाय यहाँ निकाल दो, तो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल रिमेन सेम। अगर मैं वी वाई बता दूँ तो नेट आंसर क्या आएगा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से नेट वेक्टर क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो वी एक्स तो मुझे पता है 4 4 एंड 4 है, वी वाई की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, ये निकालनी है, टाइम क्या है? 0.7। तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाई एक्सिस में वी वाई 0 जी टी, वी वाई आ गया, वी वाई आ गया, तो अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर से वी की वैल्यू आ गई, और क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो टैन बीटा विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये वी वाई तो ये भी वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। वी वाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 6.86, डिवाइडेड बाई वी एक्स की वैल्यू 4, तो 6.86/4 टैन इनवर्स 1.71 आंसर है। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि टॉप ऑफ द टावर से क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, कोई डाउट इसमें? सही है,
ठीक है, सो यहाँ पर ख़त्म करते हैं ऐसे।